नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे कि बाइक का व्हील जो होता है यानी जाम होता है, हीट होता है, यानी हीट किस कारण से होता है उसके विषय में हम जानकारी देंगे। तो उसके विषय में बहुत सारे भाई लोगों ने हमारे पास कमेंट कहा, तो हमने कहा कि वीडियो बनाएंगे हम, और उसके लिए आज थोड़ा सा समय मिला तो हम चाहते हैं वीडियो बनाएं। तो देखिए, चाहे ये डिस्क ब्रेक हो इसके लिए भी बताएंगे, वही होता है, और ड्रम ब्रेक होता है वो भी, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जैसे एक ग्राहक भाई आए और उन्होंने कहा, भैया हमारी बाइक बहुत इसका अगला डिस्क ब्रेक जो होता है प्लेट बहुत गर्म हो जाता है, क्या कारण होता है। तो हमने उनके साथ काफ़ी दूर तक चलाया, उसको समझाया बताया, जब उसको लगाते हैं यूज करते हैं तभी हीट होता है, ऐसे नहीं हीट होता, ठीक है। जितने बार हम जैसे अपने हाथ को अगर हम कस के आप ऐसे कस के रगड़ देते हैं, यानी प्रेस करते हैं और कुछ कस के रगड़ते हैं, ताकत लगा के, जोर से ताकत लगा के, ठीक है। तो उसी तरह के डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक्सू होता है वो बिल्कुल ऐसे जाम करता है, ठीक है, और इतनी तेज़ में चलता है उसको रोकता है, तो इस कारण वो हीट होता है, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त, क्या होता है कि जैसे अगर ये आपका ब्रेक है और ये पहिया जाम हो, चलता ही हो, फिर ही ना चलता, जैसे क्या है, अब जैसे ये आपकी थोड़ा सा इसमें प्लेट टेढ़ी है, इस कारण से ये हल्की सिर सिर आवाज़ आ रही, लेकिन ये पहिया इसका व्हील है, ये फ्री है। अगर ये टाइट चलेगा, जब टाइट चलेगा तो इसके कारण ये जाम चल सकता है, और इसके कारण यानी जाम चलेगा तो हीट होगा, तब तो समझ में आता है, चलो हाँ इसके कारण होता है, हीटिंग होता है। पर अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यानी डिस्क ब्रेक को खोल करके अच्छे साफ़ कर देते हैं, और पानी से ही साफ करके और अच्छे से फिर से लगा देते हैं, फिर सही हो जाता है, ठीक है। तो ये अब देखिए, ऐसे जैसे व्हील फ्री है तो इसमें हीट होने का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। हम आपको चला के भी दिखा देंगे 1-2 किलोमीटर, तो बिल्कुल यानी ठंडा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दूर तक चलाएं या पास तक चलाएं और बार बार डिस्क ब्रेक यूज करें, ठीक है, तो ये ज़्यादा हीट हो जाएगा, हम हाथ से छू भी नहीं सकते, इतना समझ लें, ठीक है। उसी तरह के रियर ब्रेक भी होता है, उसके बताते हैं मेरे दोस्त। जैसे ये है व्हील, अब ये व्हील जो है बिल्कुल यानी फ्री है, ठीक। अगर क्या होता है कि जैसे हम अगर बाइक पर 3 सवारी बैठें और 3 सवारी बैठ करके और इसको हम गड्ढों में आने चलें, 3 सवारी बैठ करके गड्ढे में चलें और इसका ब्रेक जो होता है ब्रेक में हल्की प्ले हो, तो वहाँ पर यानी ये हीट होगा, ठीक। या हम सिटी के अंदर चल रहे हैं और बार बार हमको क्लच ब्रेक यानी बार बार यूज होना हो रहा है, यानी थोड़ी दूर चल रहे हैं फिर ब्रेक लगा रहे हैं, थोड़ी दूर चल रहे हैं फिर ब्रेक लगा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, उसके कारण ये हीट होता है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसे आप जैसे सिटी से बाहर या जहाँ पर आपको भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पर अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर हीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यानी हीट नहीं होता है। और हमने इसको ट्राई किया, आज हमको इससे पहले वीडियो बनाया था एक, तो उसको हमने 7 किलोमीटर कम से कम चलाया और चला करके देखा, बिल्कुल हीट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हमने जब पिछला पहिया का बनाना था वीडियो, तो हमने आगे ब्रेक यूज किया और आगे ब्रेक यूज किया तो आगे वाली ब्रेक ड्रम ब्रेक था वो हीट हुआ, इन पीछे बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम जैसे आपको कोई भी वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले हम खुद ट्राई करते हैं, समझते हैं उस बात को, तब हम वीडियो बनाते हैं, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी हम आपको जो आया बोल दें, ऐसा नहीं, ठीक। तो मेरे दोस्त देखिए, इस तरीके से आपका पहिया जो होता है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और इसमें जो प्ले होता है ये प्ले ज़्यादा प्ले होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा ही है लेकिन थोड़ा प्ले होना चाहिए, ठीक है। अगर प्ले है तो जैसे आप कुछ वेट रख लेते हैं पीछे और 3-2 सवारी बैठ जाते हैं, कोई हैवी वजनदार भी है कोई, तब भी यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे आप गड्ढे में जाते हैं यानी गड्ढे में बाइक जाती है, उस समय यानी साकर आपका दबता है और ये ब्रेक अपने आप टाइट हो जाता है, उस समय आपका पहिया अपने आप ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तब भी आपका हीट होगा। इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखें मेरे दोस्त। अब हम क्या करते हैं, दोनों व्हील दिखा दिया फ्री है, अब हम आपको करते हैं क्या, आपको एक एक करके चेक करा देते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, अगले पहिए की ब्रेक नहीं लगाएंगे, पीछे वाली लगाएंगे, अगला नहीं लगाएंगे, ठीक। फिर देखते हैं, आपको दिखा देते हैं बिल्कुल ये हीट नहीं होगा, ठीक। और फिर पिछला लगाएंगे, अगला नहीं लगाएंगे, फिर देखना ये कैसा होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम आप देख ले मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने इसको 0 कर दिया, अभी हम इसको 2-3 किलोमीटर चला के दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, हमने 3 किलोमीटर चलाया, इस पर हाथ रख दिया पूरा और बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने आपसे बोल दिया था कि हम पहले यानी एक पीछे वाला यानी हमने ब्रेक लगाया, आगे वाला बिल्कुल नहीं उठा, ठीक। और आपको अगर कभी भी चेक करना हो तो आपको पहले आप जो ब्रेक लगाएंगे उसी में हीट होगा, जो ब्रेक नहीं लगाएंगे उसमें हीट नहीं होगा। पीछे वाला दिखा दे मेरे दोस्त, मीटर पहले दिखा, मेरे दोस्त देखिए, मीटर पहले आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो दिखा रहा मेरे दोस्त 3 किलोमीटर 1 पॉइंट, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने 3 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। और पीछे वाली ब्रेक को दिखा दें, ये हमने पीछे वाली ब्रेक यूज किया, ठीक है। अब हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं लग सकते, यानी ये हीट बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, आराम से रख सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर रखें तो हम जल जाएंगे, इस तरीके होता है, ठीक। तो आप अगर आप बार बार आपको लगता है मेरी बाइक का यानी आप समझें कि इसको हम जितना हमको सह पा रहा हूँ उतना तक रख पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, ठीक है। अब आप समझें मेरे दोस्त कि जब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप विशेष करके इस तरीके से आप चेक कर ले, अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम, बाइक में प्रॉब्लम होगा तो आपका ब्रेक टाइट होगा तब, ठीक। और आपको एहसास करना हो तो अपने दोनों हाथ को ताकत लगाए, खूब कस के मसल देना, फिर देखना कितना हीट होता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या यानी किस कारण से हीट होता है, ठीक। मेरे दोस्त, मेरे पास जो भी जानकारी थी हमने बताना चाहा, और गाड़ी हम जब भी यानी ड्राइव करते हैं हेलमेट रखते हैं ज़रूर, मास्क ज़रूर लगाते हैं, कभी कभी कोरोना का समय है मेरे दोस्त, इसलिए आप भी सभी लोग सेफ रहें। चाहे मेरे दोस्त हमारा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।